हेलो दोस्तों, मैं करिश्मा भारती और आज आप लोगों को मैं बताऊंगी मोलासिस टेस्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं मोलासिस टेस्ट क्या है, क्यों करते हैं और इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोलासिस टेस्ट क्या है। मोलासिस टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का एक टेस्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को बताता है कि वो कार्बोहाइड्रेट किस टाइप का है। आइए जानते हैं इन टेस्ट को करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब होल्डर और शुगर सैंपल जिसका हम कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करेंगे, और अल्फा नेप्थलॉन और कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आइए अब हम लोग इसके प्रोसीडर के बारे में जानते हैं। पहले हम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेना है, फिर उसमें हमें 2-3 ड्रॉप और अल्फा नेप्थलॉन डालना है और 1 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग थोड़ी से केयरफुली करेंगे क्योंकि एसिड को डायरेक्टली हम लोग अगर कुछ करते हैं तो उसमें हार्मफुल हो सकता है। इस वजह से हम लोग जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो उसे टेस्ट ट्यूब के वॉल से सटा के डालेंगे। ना ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट ट्यूब में एक पर्पल और वायलेट रिंग का एक वायलेट रिंग अपीयर हो रहा है जो कि बताता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट।